एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ट टाइम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हो तो बिना डरे बिना घबराए बेस्ट टाइम है। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, मार्केट में करेक्शन हो चुकी है, तो इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं हो सकता है। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कंपनी लेके आया हूँ जो कि केटर करती है रेलवे सेक्टर को। रेलवे सेक्टर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रेलवे सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। हालिया बजट में जो कि इंटरम था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री साहब ने वो अनाउंस किया कि वो 3 कॉरिडोर बना जा रही है, वंदे भारत का प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मतलब रेलवेज में बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट का। तो इसी कड़ी की मैं एक माइक्रो कैप स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ जो कि मतलब इस स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल है। स्टॉक अभी 104 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, मतलब 158 रुपये पे से ये वापस आया है। जैसा कि मैंने बताया, एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसका मार्केट कैप जो है 200 करोड़ से नीचे है। और मेरा ये मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मतलब अगर आपको वेल्थ बनानी है तो वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप अगर आप अच्छी आइडेंटिफाई कर लेते हो और उनमें इन्वेस्टेड रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस है। चाहे मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज कितनी भी बात कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने कंपनी अच्छी आइडेंटिफाई की है। मतलब आपको अपने पैरामीटर सेट करने की, आप कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बेसिकली मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी स्टार्ट हुई थी mid-90s में और कंपनी का बेसिकली काम है इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड का, जो कि ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एक्सेट्रा को प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के पास अच्छी खासी क्लाइंट लिस्ट है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आपका SL माइनिंग हो गया, RVNL हो गया, आधुनिक अलॉय एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एक्सेट्रा। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, मतलब 160 करोड़ के आसपास का दिसंबर के हिसाब से। और इन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनीज एक्वायर किए, जैसे कि फेनेक्स ओवरसीज लिमिटेड एक्वायर की थी इन्होंने, जो जिसका मेन काम था एक्सपोर्ट, कमोडिटी एक्सपोर्ट करती है बांग्लादेश, USA और अदर यूरोपियन कंट्री में। वैसे ही BCL बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जो इसकी सब्सिडरी है, वो भी मतलब इंस्टॉलेशन करते प्लांट का एक्सट्रक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम राइस ब्रैन। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, तो आप देखते हैं कंपनी माइक्रो कैप कंपनी की, इसका मार्केट कैप 174 करोड़ है और करंट प्राइस इसका 104 है, इसमें 159 का ऑल टाइम हाई मारा है। तो मतलब अभी ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है स्टॉक को बाय करने का। मतलब आप इस स्टॉक को मिस ना करिए, मतलब ये 100% मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल क्यों रखता है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, कंपनी के जो प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है और काफ़ी सीरियस है अपने बिजनेस को। आप देख सकते हैं मतलब उसकी प्रमोटर होल्डिंग 73% उन्होंने मेंटेन करके रखी है और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.9 है, अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो से मतलब जो कि काफ़ी कम है। और स्टॉक कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 52.4 है। कंपनी ने अच्छा खासा ROC ROE, मतलब अच्छा खासा तो नहीं बोलते, डिसेंट मेंटेन करके रखा है, लेकिन अभी ये माइक्रो कैप कंपनी है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी इस सारी चीज़ें ग्रो करती जाएगी। कंपनी में सिर्फ 10 करोड़ का डेप्ट है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 70 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। और अगर आप देखें इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, तो आप देख सकते हैं मतलब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में 29.8 है, जो कि मतलब बेस्ट है टाइम में इसको बाय करने का। हाँ, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डिंग प्लेज की हुई है, जो कि मतलब किसी भी शेयर के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन मतलब प्लेज की रीज़न क्या है, तो अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी जो है मतलब इस पैसे का यूज़ कंपनी की ग्रोथ के लिए कर रही है, तो मतलब ये बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो इसीलिए मतलब लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की मतलब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि प्रमोटर के पास तो 73.30% होल्डिंग है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पब्लिक के पास आपको दिखेगा 2.25%, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ 2.25% कंपनी की हिस्सेदारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर के पास 20% है, जो कि आपको पब्लिक में दिखा रहा है, और सेम यहाँ पे 4% होल्डिंग नॉमिनल रेजिडेंट वालों के पास ही है। तो मतलब आप अगर इसको देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 2.25% है, मतलब इस कंपनी के बारे में अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो मतलब आप देख सकते हैं मतलब प्रमोटर और अगर इसमें इन्वेस्टर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कंपनी में क्या पोटेंशियल है। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी में मल्टीबैगर रिटर्न देने का पूरी क्षमता है। सो फाइनल कंक्लूजन हमारे यही है कि कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न देने का, और ये मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में,
क्योंकि कंपनी रेलवे सेक्टर को हिटर करती है जिसमें कि बहुत ही पोटेंशियल है ग्रोथ का आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है। कंपनी के प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर हैं और कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी खासी उन्होंने मेंटेन करके रखी है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी सही है। हाँ, कंपनी ने शेयर जरूर प्लेज किए हैं, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट के लिए किए हुए हैं तो मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे ट्रैक पे है और ये स्टॉक मतलब मल्टीवैगर रिटर्न देने का दम रखता है। वैसे मतलब आपको किसी को भी सुन के या मेरे को सुन के या किसी और को भी सुन के आपको मन नहीं बनाना है। मेरे जो पॉइंट अगर आपको वैलिड लगते हैं तो आपको सिर्फ उससे समझ के अपने पैरामीटर चुन के ही डिसीजन लेना है। धन्यवाद।